और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने शांतिपूर्ण मार्च निकाला है। आंदोलनकारी छात्र विश्वविद्यालय की कैंटीन पर एकत्रित हुए और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कैंटीन से बाबा सैयद गेट तक शांति मार्च निकाला गया है। छात्रों की माने तो 2018 व 19 के बाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि 2022 में विश्वविद्यालय पूर्ण रूपेण खुल चुका है और सभी छात्र आ गए हैं। शिक्षण कार्य पूर्ण रूप से चल रहा है। छात्रों का कहना है कि अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी छात्र संघ के चुनाव हो चुके हैं। और वहीं आजकल वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन और कोर्ट के इलेक्शन के रिस्टोरेशन के लिए है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज खुल चुकी है, सारे लड़कों के एडमिशन है। 2018-19 के सेशन के बाद से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए। उसके पीछे वजह यह थी कि पैंडेमिक आ गया था। अब पैंडेमिक तकरीबन ख़त्म हो चुका है, जब कैंपस फुल फ्लेज खुल चुका है, सारे सीसी में और तमाम जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कराए जा चुके हैं, लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन कराया जाना चाहिए, क्योंकि वाइस चांसलर का इलेक्शन भी होना है। 11 कोर्ट मेंबर होते हैं डिफरेंट फैकल्टीज़ के, तीनों चेयर जो होती हैं स्टूडेंट यूनियन की वो कोर्ट की मेंबर और सीनियर कैबिनेट कोर्ट का मेंबर होता है। 15 स्टूडेंट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है कोर्ट की बॉडी में, जो कि होना ज़रूरी है। लिहाजा स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन स्टूडेंट की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए और एक ब्रिज के लिए कराया जाए। अभी यूनिवर्सिटी के कुछ लड़कों ने एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें उन्होंने डिमांड किया है कि स्टूडेंट यूनियन कई सालों से डिफंक्ट चल रही है, लिहाजा यूनियन को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए और उसके जो भी प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि साहब जल्द से जल्द इलेक्शन ऑफिसर का डिक्लेरेशन किया जाए। इसमें यही एक स्पेसिफिक डिमांड है, स्पेसिफिक डिमांड है कि यूनियन जो है वो रिस्टोर की जाए। फिलहाल इसके इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन कि ऐसा